पासिंग थ्रू द सेकेंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड, 17,582 फीट। जुलाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंग। काफ़ी मुश्किल जो रास्ता था, मतलब जो हमारे जीवन के सबसे मुश्किल 180 किलोमीटर थे, वो कंप्लीट करके यहाँ पेंग में पहुँचे थे। और लिटरली बता रहा हूँ, जब रात का जो टाइम था उसमें जो पेंग के जो 40-50 किलोमीटर का जो सफ़र था ना, वो भाई साहब कमी नहीं हो रहा था। मैं माइलस्टोन्स देख रहा था, मतलब बहुत स्लो चल रहा था। और रास्ते में बहुत सारे ट्रक भी थे और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई मुझे और शुभम को, एमएस ने हिट कर दिया, जिसके कारण हम लोगों की पूरी वाट लग गई। शुभम के अभी भी उल्टियाँ वगैरह चल रही हैं। तो आज का प्लान ये है कि आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा लेह के लिए। और ये जो पेंग, इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बड़ा ही छोटा सा एक कस्बा है जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी और आपको यहाँ पर रूम स्टे भी मिल जाएगा। पेंग की अगर मैं बात करूँ तो पेंग के अंदर है, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा। जियो का नेटवर्क शायद थोड़ा थोड़ा आ रहा है और BSNL का भी नेटवर्क शायद नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं बोलने में कितनी सांस फूल रही है। तो अभी जैसे ये बाइक लोड होती है फिर हम लोग निकलते हैं आगे लेह के लिए। चलते हैं निकलते हैं लेह। टाइम आ गया है पेंग को बाय बाय करने का। ऑल सेट है सारी बाइक्स और अब फटाफट निकलते हैं, क्योंकि उपशी के अंदर कोविड टेस्ट भी होता है और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है। चलें, ठीक है, चलते हैं भाई। चलो चलो, अभी किलोमीटर की बात करें तो मैंने आज की ट्रिप का 0 सेट कर दिया है। और कल रात को पेंग की बात करें तो रात को भाई साहब किसी को भी नींद नहीं आई ठीक से, सांस लेने में तकलीफ आने लगी, फिर उसके बाद सीने में दर्द होने लगा और भी बहुत कुछ। अब ये रोड देखो, देखने में कितनी शानदार लग रही है, सीधी रोड पहाड़ों में जा रही है, लग रहा है कि जैसे कोई मूरे प्लान हो। पूरा सपाट इलाका, अलग ही पहाड़ है वहाँ, पहाड़ों की अलग ही ब्यूटी है। अभी अभी मैंने पूछा जयसर इनसे तो वो बता रहे थे यही मोरे प्लान है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी फोटोज़ खींची हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम हैंडल राइड विद मूफली में देखने को मिलेगी। अभी आगे तांगलांगला पास आने वाला है, तो पास पे भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। देखते हैं आज का क्या सिचुएशन रहती है पास पे। बता रहे हैं ये रोड ठीक है, तो कल जो हाल हुए हैं हमारे रोड के कारण और एल्टीट्यूड के कारण, उसके कारण तो हम रो रहे थे कि यार कहाँ आके फंस गए। तो यहाँ पे अभी जो बोर्ड आ रहा है उस पर लिखा हुआ है कि तांगलांगला पास है, वो 55 किलोमीटर है यहाँ से।
रास्ते के अंदर ये बड़ी ही प्यारी चीज़ आई है, क्या है ये पता नहीं, लेकिन भाई साहब बड़ी प्यारी चीज़ लग रही है। तीन रंग के यहाँ पे ये दिखाए हुए और ये जो फ्लैग्स हैं कितने शानदार लग रहे हैं। तो भाई अब यहाँ से ऑफिशियली चढ़ाई शुरू हो गई है तांगलांगला पास की और लगभग 16 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। तो अब सारी चढ़ाई वाला रीजन आएगा। हम ऑलरेडी 4600 मीटर की हाइट पे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि कल 4362 थी पांग में। तो वहाँ कहीं बर्फ के अंदर है तांगलांगला पास, 8 किलोमीटर है और लेफ्ट साइड में भाई साहब खाई खतरनाक है, देख ही नहीं जा रही, बहुत ज़बरदस्त खाई है यार। बाइक का पिकअप भी अब यहाँ पे कम हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन की समस्या ही है यार इस पूरे एरिया में। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी का ब्रेक किया गया था और अभी निकल रहे हैं आगे। वहाँ से है तांगलांगला पास 1 किलोमीटर, शायद ये आगे जो है यही है तांगलांगला पास। और जी हाँ, हमने एक और पास कंप्लीट कर लिया। तो ये है तांगलांगला पास, यू आर पासिंग थ्रू द सेकेंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड, 17582 फीट। और मीटर की बात करूँ तो ये है 5100 मीटर पे। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे हम जे का वेट करते लेकिन एक्चुअली हमको पहले AMS हिट किया हुआ है। तो मैं और शुभम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इस पास के चक्कर में फिर से हमें रात को परेशान होना पड़े। तो एक्चुअली आगे से कीचड़ वाला रास्ते चालू हो रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे ये वाटरप्रूफ वाले प्रोटेक्टर्स हैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, जब तक हो सकता है वो लोग भी आ जाएंगे जे। और बाकी भाई साहब यहाँ रास्ते के दोनों साइड देखो बर्फ जमी हुई है। शूज़ पे मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं और अब क्रॉस करते हैं ये वाटर क्रॉसिंग वाला एरिया जहाँ पे स्नो भी जमी हुई है काफ़ी। दोनों साइड बर्फ जमी हुई है। ओके, निकल गए इजीली। ये देखो, ओ भाई साहब, इस बर्फ के चक्कर में नीचे पूरी रोड पे पानी कीचड़ हो रखा है, ये बर्फ पे गलती है। तो आगे 3 किलोमीटर पे आ रहा है रोमते जो भी नाम है, तो वहाँ पे करेंगे अपन लंच। और सामने जो पहाड़ है ना यार, उसमें कितने टाइप के कलर्स हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ सूखा जंगल और उसके अंदर बीच में वो हरियाली वाला पेच कितना मस्त लग रहा है। जुलाई अलग से सीन आ गया है, ये पूरे पहाड़ ऐसे और वहाँ पे वो पूरा रेड कलर का पहाड़, ये ब्राउन कलर का पहाड़, ये बीच में से नदी, मतलब कितने वेरिएशन है यहाँ पे पहाड़ों के। हम एंटर कर चुके हैं ले वैली के अंदर और यहाँ पे उपशी अभी बस बचा हुआ है 1.5 किलोमीटर। और बता रहे हैं कि उपशी के अंदर शायद हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा कोविड के लिए,
हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लेह की बॉर्डर मतलब उपशी पे। तो उपशी पे क्या है कि आपकी जो RT-PCR टेस्ट है वो वहाँ पे चेक की जाएगी, आपके व्हीकल की एंट्री करी जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है 72 आवर्स की। तो ये हम आ गए हैं उपशी ब्रिज पे, कितना शानदार व्यू लग रहा है यार। और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं उपशी के अंदर। अब यहाँ पे टाइम हो गया है 2:30 और हम लोगों ने 125 किलोमीटर कर लिए हैं। तो अब सोच रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं लेह के लिए। और यहाँ से कारगिल है 273, लेह 49, तिश्कित मोनेस्ट्री है 31 और 14 है करू। ओके, तो यहाँ करते हैं लंच। क्या है तुप्पा, ये है तुप्पा। अभी हम उपशी में और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं तुप्पा, ट्रेडिशनल लद्दाखी फूड। ओके, टाइम हो गया है यहाँ पे 3:35 और हम लोग अभी हाल फिलहाल निकल रहे हैं लेह के लिए। ये कोई जिगमेट रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने लंच के अंदर क्या तुप्पा खाया, मोमोज खाए और आलू के पराठे खाए जो कि कभी नहीं खाए होंगे इस टाइप के, स्पेशल थे स्पेशल। यहाँ से लेह पहुँचने के लिए बता रहा है 1 घंटा लगेगा, तो देखते हैं अपन कितनी देर में पहुँचा पाते हैं। वेलकम टू लेह, और हम अब प्रवेश कर रहे हैं लेह के अंदर। लेह में थोड़ी ग्रीनरी अच्छी है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है। कितनी प्यारी लोकेशन आई है, लेफ्ट के अंदर देखो टापू सा बना हुआ है, उस पर पेड़ लगे हुए हैं और यह नदी बह रही है, उस साइड का पहाड़ है उसकी अलग सी सिचुएशन है। और ये देखो वाह कितनी प्यारी लोकेशन है। तो अभी अभी क्या है, हम लोगों को बड़ी प्यारी लोकेशन मिल गई है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो शुभम जाके फंसर गया है और हमारी बाइक सभी यहाँ पे रोड के साइड में पार्क है। टाइम जैसे ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं तो चाय का टाइम तो हो ही रहा है। तो वहाँ पे जय और भाभी जी हैं जो चाय बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की। हवा बहुत काफ़ी तेज़ चल रही है, देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। बाकी यहाँ का जो व्यू है भाई साहब, आप एक नंबर व्यू है यहाँ का। और जलपरी वहाँ पे आनंद लेते हुए। तो इधर जैसे कि जय भाई कैंपिंग के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये अपने छोटे वाले उस चूल्हे पे चाय बना रहे हैं सभी के लिए। और ये है वो पिटारा जिसमें सारा सामान है। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हाँ भाई कोई कैंपिंग वाली जो चीज़ है वो करें, तो अभी लोकेशन इतनी प्यारी मिल गई तो फिर रहा नहीं गया कि भाई एक एक चाय हो जाए यहाँ पे। कैसा लगे आपको यहाँ के जो सिनेमैटिक शॉट और वीडियोस थे। अब हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए, अब हम सीधा निकलेंगे लेह के लिए। चले सर, तो चलिए फिर निकलते हैं लेह के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ लेह के अंदर। जो मेन रास्ता है उसको बंद किया हुआ है, कोई दूसरे रास्ते से हमें एंटर करवा रहे हैं। ये भी पता नहीं जो भी चीज़ है ये बड़ी प्यारी लग रही है। भाई आ चुके हैं हम लोग लेह सिटी के अंदर, अच्छी खासी बड़ी सिटी है ये। यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह सब है तो ऑफ कोर्स बड़ी सिटी तो है ही। वाओ ये भी गेट शानदार है। तो इस गेट से हम एंटर कर रहे हैं लेह सिटी के अंदर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ लेह के अंदर और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमें यहाँ पे रूम मिल चुका है। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी उसके लिए लेकिन अच्छा रूम मिला है। तो कुछ इस तरह का रूम है जो हमें लगभग 1500 से 1500 के बीच में मिला है। और यहाँ पे अभी सामान बिक रहा हुआ रूम बढ़िया है, ये अलमीरा है जिसके अंदर हमने हमारे सामान रखा। आज का जो सफ़र रहा काफ़ी बढ़िया रहा क्योंकि रोड की जो कंडीशन थी, जो पांग से लेके लेह तक की जो रोड थी काफ़ी बढ़िया थी।
बस एक जो तांगलांगला पास आया था वहाँ पर थोड़ी हमारी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुका था। तो अभी हाल फिलहाल का सीन ये है कि हम लोग जाएंगे यहाँ से, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट के अंदर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका कोई भाई बंधु ऐसा है जिसको कि इस टाइप के ट्रैवलिंग के, बाइकिंग के एडवेंचर वीडियोज़ पसंद है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।